नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आओ जो आदमी छोटा शहर से बिलोंग करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो आदमी कैसे स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस करके बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा टिप्स ये वीडियो में लेके आओ, तो आप अगर सीख जाओगे ये 5 तरीका, तो बहुत ही आसानी से आप अगर गांव में रहते हो, कोई भी छोटा शहर में रहते हो, तो वहाँ पे रह के आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बोल सकते हैं हर महीने लाखों रुपया कमा सकते हैं, इतना आसान प्रॉफिटेबल है। और ये जो बिजनेस है फ्रेंड, आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से, लो इन्वेस्टमेंट से आसान प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, आप अगर सीखना चाहते तो वीडियो का बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए जो आप जो कर सकते वही आप मिस कर जाए। और एक बात है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहले जो तरीका के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो मुर्गा का फार्म, उसका बारे में तो सुना ही होगा। मुर्गा का फार्म में फ्रेंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। आप अगर कहाँ पे भी गाँव में अगर कहाँ पे भी खोल दोगे और इसका थोड़ा बहुत सप्लाई करने लग जाओगे, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं। फ्रेंड, ये एक चीज ऐसा चीज है जिससे आपको सेल करने का कोई यह नहीं रहते, मतलब इसका डिमांड इतना ज्यादा होते हैं जो आपको घर से ही उसका सेल हो जाता है। और ये फ्रेंड सिर्फ, ये जो मुर्गा के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 40 दिन में 150-200 किलो वेट हो जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कितना जल्दी, एक महीने डेढ़ महीने का अंदर 150-200 किलो हो जाते। आप अगर 500-1000 मुर्गी अगर पाल लेते तो आपको कया कर लाखों रुपया तक हर महीने इनकम हो सकते, इतना प्रॉफिटेबल है फ्रेंड। और कोई भी इसे शुरू करने का पहले फ्रेंड उसका सेल का बारे में सोचना चाहिए था। ये जो आपको सेल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको घर से ही पूरा का पूरा सेल हो जाते हैं। और नंबर 2 के बारे में जो बता रहा हूँ फ्रेंड, आप घर में ही, आपका घर में ही डेयरी खोल सकते। ज्यादा दूध देने वाला कोई भी गाय अगर आप पाल लेते, जैसे ऐसे भी मिलते फ्रेंड 20-30 किलो दूध देने वाला गाय भी मिल जाते, तो उसका जो यह है फ्रेंड थोड़ा ज्यादा ही होते हैं उसका कीमत। तो आप पहले से जब कम दूध देते उसका कीमत भी कम रहते, डाउन रहते, तो वो गाय से भी आप चालू कर सकते। और पहले पहले में फ्रेंड आपका क्षेत्रों में भी आप सप्लाई दे सकते सुबह शाम को 2 टाइम आने। तो अभी का टाइम में फ्रेंड अमूल दूध जो है उसमें आप अच्छा खासा पैसा दे देते, जैसे अवरेज में 40 रुपया का ऊपर ही देते आप बेचने जाओगे तो, उसका भी एक रेट है। तो अब अगर चाहे नहीं, मैं गांव में नहीं बेचूंगा, मैं जाके उधर अमूल दूध का उधर देके आऊंगा। अमूल दूध का छोटा छोटा कोई भी सिटी में आपको मिल जाएगा, उधर जाके आप आसानी से आपका दूध बेच सकते हैं। और अगर चाहते हैं तो भी गांव में भी बेच सकते। तो फ्रेंड ये अगर आप मान लीजिए, मैं एक आंकड़ा और भी आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए 1 किलो दूध का कीमत कितना है, 40 रुपये। मान लीजिए पहले आपको 40 किलो दूध हो रहा है, सुबह में 40 किलो, शाम को 40 किलो, 10-15 गाय से सुबह में 40 किलो, शाम को 40 किलो हो रहे, तो आपको कितना आ जाते, 1600 रुपया। सुबह में 1600 रुपये, शाम को 1600 रुपये, मतलब 3200 रुपया हर रोज आ रहा है। तो आपको महीने में कितना आ जाते फ्रेंड, जरा हिसाब लगा सकते। तो फ्रेंड लगभग 95,000-1,00,000 रुपये तक आपको आ जाता है अगर 10 गाय भी खरीद के आप अगर स्टार्ट करोगे तो, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और नंबर 3 जो बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड, आप कोई भी कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर कोर्स करने में आपको कोई भी या नहीं होते, 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी आप कर सकते हैं, पर आपका गांव में ही कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। इसका डिमांड फ्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे सिटी के हिसाब से इतना ज्यादा कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे रहते जो उसमें ज्यादा कॉम्पिटिटर आ जाते। तो गांव में फ्रेंड ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, तो गांव में अगर खोलोगे तो आसपास में जितना भी बाजू वाला रहेगा पूरा के पूरा वहाँ पे आ जाएगा। और आप कोई भी कंप्यूटर सेंटर का साथ या करके कांटेक्ट करके आप इधर से डिग्री दे पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो थोड़ा बहुत जैसे बच्चा बिगिनिंग में जो आदमी सीख रहा है उसको भी सिखा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और 4th जो बिजनेस के बारे में फ्रेंड आपको बता रहा हूँ, तो फ्रेंड अभी का टाइम पे भी, अभी तक भी गांव में फ्रेंड जैसे टिकट बुकिंग, फिर टीवी रिसर्च, मोबाइल रिसर्च, फिर भी कोई भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, ये अभी भी नहीं मिलते।
तो आप अगर सिर्फ एक कंप्यूटर लेके आए, एक मोबाइल लेके बैठ जाओ, कंप्यूटर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एक मोबाइल लेके भी बैठ जाओ तो फ्रेंड ऑनलाइन टिकट बुकिंग, फिर जॉब के लिए अप्लाई, जितना भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होते हैं वो आप आसान से सीख पाओगे। पर 5-10 मिनट लगते सीखने में, रिसर्च, टीवी रिसर्च, फिर मोबाइल रिसर्च, फिर कोई भी आपका लाइट बिल रिसर्च, ये बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो आप सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके ये भी गाँव में बहुत ही अच्छा खासा इसका बिजनेस स्टार्ट करके भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड पांचों ही बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये भी तो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फ्रेंड टर्मोकोल प्लेट मेकर, जैसे आप जानती है अभी का टाइम पे इसका जो इस्तेमाल है, आप बोल सकते हैं वन टाइम यूज प्लेट, वन टाइम यूज ग्लास, वन टाइम यूज जारिका जो यह आते ग्लास आते, तो ये बनाना फ्रेंड इसका जो रॉ मटेरियल आते वो बहुत ही सस्ता आते, और इसको बाजार में डिमांड इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो सिटी एरिया में से जब आते तो इसका डिमांड थोड़ा ज्यादा रहता है, आप अगर गांव का एरिया से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दोगे तो ये इसका जो इस्तेमाल है फ्रेंड दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। जेहेतु ये ऑन टाइम यूज करके फिर फेंक देते, ऑन टाइम यूज करते तो इसका क्या है, एक बार यूज करके फेंकने के बाद इसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादातर कोई भी ओकेशन आ जाते हैं, जैसे पूजा आ गया, फिर किसी का शादी आ गया, तो ऐसे सीजन में इसका सेल और भी कई गुना ज्यादा हो जाते है। तो फ्रेंड ये आप आसानी से घर में बैठ के चालू कर सकते, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। 20,000-40,000 रुपये में ऐसा अच्छा खासा यह मिल जाते, मशीन मिल जाते, और आपका जो रॉ मटेरियल मैं बोला बहुत ही सस्ता में इसका रॉ मटेरियल भी आ जाते, तो आप वो खरीद के फिर स्टार्ट कर देना। और ऐसे ही तो बहुत सारे दुकान आपको गांव में भी मिल जाएगा जहाँ पे ये जो ऑन टाइम यूज वाला पैलेट मिल जाते, तो उधर में जाके बहुत ही पहले जरा उसका डिमांड कम रखना, रेट कम रखना, तो जब चालू हो जाएगा तो आप रेट भी एडजस्ट कर पाओगे, ये बिजनेस में भी बहुत सारे प्रॉफिट आप आसानी से कमा सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद रखते आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हर कोई बिजनेस करना चाहते लेकिन इतना लो इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस किया जाए उसको भी पता नहीं है। तो सबको अगर पता चल जाए कैसे लो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस किया जाता कर जा सकते, तो हमारा देश में जो गांव का क्षेत्र में जो फ्रेंड अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकारत्व तो है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। एक तो फ्रेंड यही है, मैं सजेस्ट करूंगा जॉब से कई गुना अच्छा है बिजनेस, अगर आप दिल लगा के कर सकते तो इसको आपको लिबर्टी मिलते, स्वाधीनता मिलते। और फिर दूसरा बात यही है फ्रेंड, इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट होते जो जॉब कभी भी नहीं दे पाते। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।